हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो जूलॉजी का पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी, जिसको प्राणी विविधता कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यूनिट फर्स्ट पे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा व पैरामीशियम में गमन को विस्तार से समझाइए। अब इसमें तीन प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें अमीबा में गमन को विस्तार से वर्णन कीजिए, या पैरामीशियम में गमन को विस्तार से वर्णन कीजिए, या प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ के मेंबर ही है ये। प्रोटोजोआ का मेंबर है यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, तो इनके प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो गमन है उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप अमीबा, पैरामीशियम, इनके बारे में लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस लिखने, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ पोरिफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र को समझाइए। अब देखो पोरिफेरेंस है ना, पोरिफेरा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के, थ्री टाइप्स के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, एस्कोनिक, साइकोनिक एंड ल्यूकोनिक कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरिस के लक्षण, यानी कि जो करेक्टर्स हैं, वह लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्र जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पंच जगत वर्गीकरण, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उसके बारे में, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, तो उन सभी के बारे में एग्जाम्पल्स देते हुए उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट है हेलमंस में परजीवी अनुकूलताओं पर टिप्पणी लिखिए। जो हेलमंस है, हेलमंतीज है, देखो हेलमंस के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि जो एस्केरिस है, या फिर बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो टीनियस ओलियम है, तो उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, हेलमंस के अंदर। और नेक्स्ट है टीनियस ओलियम के जीवन चक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब देखो टीनियस ओलियम होता है ना, तो वो किन, जैसे दो होस्ट होता है इसके, एक तो प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है ना वो कौन होता है, पिग होता है, सुअर होता है, तो ये साइक्लिंग सिस्टम चलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, तारा मछली में जल संबंध तंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन से लिखने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कीटों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन, कहने का मतलब है इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में, इंसेक्ट में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रस्टेशियन लार्वे, जो क्रस्टेशिया के जो लार्वे पाए जाते हैं, जुया, प्रोटोजुया, मेटाजुया, या साइप्रिस, माइसिस, मेगालोपा, तो इनके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिलोम, यानी कि जो सिलोम होती है देह गुहा जिसको कहा जाता है, एंटेरोसिलोम, ट्रूसिलोम, एसिलोम, मेट, तो इस तरीके से इनके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनिलिडा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, और उचित उदाहरणों सहित सचित जो सहित है एनिलिडा का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, एनिलिडा संघ का वर्गीकरण कीजिए, तो इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। और देखो ये जो क्वेश्चंस है कि तारा मछली में जल संबंध तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्रस्टेशियन लार्वी, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये एक और क्वेश्चंस है संघ पोरिफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, आप लोग वीडियो के अंदर जाके और देख सकते हैं, पहले लिस्ट वगैरह है उसमें जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट के अंदर देखो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिगामी कायंत्रण को परिभाषित कीजिए, और एसिडियन टेडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायंत्रण का वर्णन कीजिए। जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, किसका लार्वा होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, ये होता है हर्डमानिया का लार्वा होता है, किसका, हर्डमानिया का, ये जलीय जीव होते हैं। और देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार की प्रोसेस होती है इसके अंदर, अनुगामी कायंत्रण और इसके अंदर जो प्रतिगामी रहता है कायंत्रण, ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखो कि क्या रहता है कि स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं, इसमें जब बोटम के अंदर एग ले कर देते हैं,
जो हडमानिया, फिर बाद में क्या होते हैं वो सरफेस, यानी कि वेट कम होने की वजह से वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि इस तरीके से सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आगे आने के बाद में क्या होता है, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहता है ये, जैसे सूर्य है तो सूर्य के कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फोटो पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो पॉजिटिव कहा जाता है। और जो नेगेटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो नेगेटिव कहा जाता है। और जैसे ही ये 15 से 20 हैच आउट होने के बाद में 15 से 20 एमएम के हो जाते हैं, होने के बाद में ये नीचे की तरफ गमन करते हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ इनका मुख होता है, इस तरीके से डाउन नीचे की तरफ जो बॉटम वाला हिस्सा होता है उधर गमन करते हैं। जाने के बाद में इनमें 3 पेपिलीज उपस्थित होती है, 3 आसंजक पेपिलीज उपस्थित होती है, तो इस तरीके से ये सरफेस के ऊपर जाके अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, तो आगे डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, जैसे भी बात करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो क्वेश्चन है, मछलियों में पाए जाने वाले पैतृक रक्षण को समझाइए। जो पेरेंटल केयर होता है फिशेज के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, सॉरी फिशेज के अंदर, तो उनके बारे में बताना है किस तरीके से करते हैं। काफी जो फिशेज होती है अपने मुख के अंदर भी रखती हैं, और डिफरेंट फिशेज होती हैं, तो इनका सबका अलग अलग है। कोई राउंडर शेप के अंदर अर्धचंद्राकार आकृति में राउंड बना के रखती है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्टनोर्स क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसके बारे में लिखना है, एमोसिट लार्वा होता है, ये पेट्रामाइजोन का लार्वा होता है। किसका लार्वा होता है, पेट्रामाइजोन का लार्वा होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं मछलियों में पाए जाने वाले सल्क एवं पंख, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो सल्क होते हैं और पंख होते हैं उनके बारे में लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, मछलियों में प्रवास, जो माइग्रेट करके जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह पर, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, ठीक है, और जो आवास होता है उसके लिए हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रवास होते हैं तो वो होते हैं। नेक्स्ट है मछलियों में पूंछ पंख, जो पूंछ पंख होते हैं, ठीक है, तो पूंछ पंख भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, जो लास्ट यूनिट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन था फर्स्ट, प्रवास को परिभाषित कीजिए, यानी कि प्रवास होता है माइग्रेट जो करके जाते हैं बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी, जैसे राजस्थान वाला जो है केला देवी है, अभयारण्य है, या फिर बाद में अदर जो भी हैं, तो जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर से आते हैं यहाँ पे और रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर बाद में प्रवास करके चले जाते हैं, तो प्रवास को परिभाषित करना है। नेक्स्ट, जो पक्षियों में प्रवास का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो पक्षी होते हैं बर्ड्स होते हैं, तो वो माइग्रेट करके एक जगह से काफी दूरी पे चले जाते हैं, जो लाखों मीलों दूरी पे चले जाते हैं, हजारों मीलों दूरी पे चले जाते हैं, तो उनके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही है, मतलब सॉर्टनोर्स क्वेश्चन से लिख रहे हैं। फर्स्ट है सर्पदंश जो प्रक्रिया है, जो सर्प होता है जो दस लेता है एक तरीके से, सर्पदंश होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जब सांप डसता है ना, तो उस दौरान क्या होते हैं, 2 स्पॉट बन जाते हैं हमारी जो दांत होते हैं उसके, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के ऊपर 2 एक स्पॉट बन जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विषैले व विषविहीन सर्पों में अंतर, जो विषैले पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं उनमें डिफरेंट किस तरीके के होते हैं, या फिर बाद में उनके अंदर जो भी करेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। जो पॉइजनस होते हैं ना उनका एक करेक्टर इस तरीके से होता है, उसका जो टेल वाला हिस्सा होता है ना वो पीछे होता हुआ बारीक हो जाता है, एक तरीके से बहुत ही पतला हो जाता है। नेक्स्ट है बात करते हैं क्वेश्चन की, स्तनधारियों में जो दंत विन्यास है तो उनके बारे में लिखना है। जैसे दंत विन्यास के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर टीथ होते हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। और नेक्स्ट है इनके अंदर क्या रहता है कि जैसे पॉलीफायोडोंट होता है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों में उड़न अनुकूलन, यानी कि जो पक्षी उड़ते हैं तो उनमें अनुकूलनता पाई जाती है, काफी ऊंचाई पे उड़ते हैं, कोई रात्रिचर होता है, कोई दिनचर होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और ये क्या करते हैं, उड़ने के दौरान उड़ते हुए भी कुछ अपने जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनका भक्षण कर लेते हैं एक तरीके से, कुछ रात्रिचर होते हैं, कोई दिनचर होते हैं, तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर ले। कुछ जो मैंने बोला था स्टार्टिंग जो सेकेंड यूनिट था और फर्स्ट यूनिट, उसमें से कुछ वीडियोज तो आप लोग को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन था एनिमल डाइवर्सिटी प्राणी विविधता के अंदर, जूलॉजी के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में, तो आप लोग को बता दिया। So thank you so much everyone.